अरे वाह, इस बार तो तुम लोगों ने बहुत सही चीज की है, जबरदस्त रिजल्ट है और आज ओजांकियंस जबरदस्त नंबर में सेलेक्ट हुए हैं। क्या मजा आ रहा है। कल से मैं बहुत परेशान था, बहुत एंजाइटी में था, वेट कर रहा था और अभी मैं इन सबके नाम का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, इन सबकी वीडियो भी आपको देने जा रहा हूँ। तो जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान और आज बेहद खास दिन है क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है, फाइनल रिजल्ट, और ओजांक आईएएस के बच्चों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। एक बार मैं वो तस्वीर दिखाऊंगी कि वो कौन कौन बच्चे हैं और संख्या और बढ़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो रिजल्ट आया है उसमें ये देखिए तस्वीर, दिव्यांशी सिंगला ने रैंक 95 हासिल की है, यह आमिर खान, इनको 154 रैंक हासिल हुआ है, ये है शेख हबीबुद्दुल्ला जो 189 रैंक इनको हासिल हुई है, ये है सुश्री खुंतिया, इनको 248 रैंक हासिल हुआ है, ये है राशिदा खातून, इनको 354 रैंक हासिल हुआ है, ये है ऐमान रिजवान, रैंक 398 यानी 398 रैंक हासिल हुआ है, ये है रेपुदी नवीन चक्रवर्ती, इनको रैंक 550 हासिल हुआ है, यह है अदिति वर्मा, इनको रैंक 652 हासिल हुआ है, यह है पल्लवी जिनको 730 रैंक हासिल हुआ है, यह है वीरेंद्र कुमार दास जिनको 854 रैंक हासिल हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह से साल दर साल ये ओजांकीज जो है यानी ओजांक आईएएस एकेडमी से बच्चे किस तरह से सफलता हासिल कर रहे हैं, एक नए आयाम लिख रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि श्रुति जो आईएएस ओजांक इंस्टीट्यूट से ही टॉप रैंकर थी, तो आप सोचिए कि हर बार यहां से बच्चे किस तरह से सफलता हासिल करते हैं, नए आयाम लिख रहे हैं और ये नए आयाम जो लिख रहे हैं उनके पीछे किसका हाथ है, उन्हीं से आपकी मुलाकात कराती हूं। वो है आईएएस गुरु ओजांक शुक्ला। आखिरकार उन्हीं से जानेंगे कि ऐसी घुट्टी क्या पिलाते हैं जो इतने सारे बच्चे उनके इंस्टीट्यूट से सफलता हासिल कर रहे हैं। ओजांक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिर करते क्या हैं आप? थैंक यू सो मच, इंडी टाइम्स की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और निश्चित रूप से ये बहुत खुशी के क्षण है कि हमारे बच्चे साल दर साल नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। घुट्टी की बात है तो इसमें चूंकि ये एक कोऑर्डिनेशन की चीज़ होती है, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की बात होती है, अगर आपका स्टूडेंट आपकी बात को समझ लेता है, उसको अपने जीवन में उतार लेता है और उसको फॉलो करता है तो डेफिनेटली वो रिजल्ट निकलता है। और हम भी अपने स्टूडेंट की आंखों से ही जीते हैं, सपने देखते हैं और जितना वो खुश होते हैं उससे कहीं ज़्यादा खुशी हमें मिलती है जब वो रिजल्ट निकाल कर लाते हैं। 11+ और कितनी संख्या बढ़ने वाली है शाम तक? बढ़ती जा रही है। तो अभी जल्दी में हमें जो फर्स्ट एक नज़र में दिखाई पड़ा वो हमें रहा, डैफ फाइलें खुल रही हैं, तमाम तरह की चीज़ें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने जो है वो रिजल्ट दिया और लगे रहे, और कुछ ऐसे बच्चे थे जो पिछले साल नाकामयाब हो गए थे, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं तो उनकी भी जानकारियाँ हमें मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से अभी तक ये संख्या जो है वो 14+ निकल चुकी है और उसको हम अपडेट कर दे रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, और उम्मीद करेंगे कि जो मेरा एक सपना है कि एक दिन ऐसा आए कि टॉप 10 में हमारे ही स्टूडेंट हों और सीक्वेंस वाइज हों, लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं, अच्छा कर रहे हैं और धीरे धीरे अगर बच्चों की मेहनत जुड़ी रही, वो हमारे साथ ताकत के साथ जुड़े रहे तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। बिहार की जब चर्चा करते हैं तो अमूमन जैसे ही हम बिहार बोलते हैं तो आईएएस और आईपीएस ये दिमाग में जहन में सबसे पहले आता है, तो वहाँ से भी बच्चे आपके यहाँ बहुत सारे हैं। 189th रैंक वहीं से निकले हैं और भी बहुत से बच्चे जिनका रूट वहीं से है, और आपको बताएं कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने इस बार इंटरव्यू दिया, कुछ कारणों से कुछ फैक्टर होता है, लक फैक्टर भी होता है या इंटरव्यू के दिन वहाँ क्या हुआ, नहीं तो इस बार बिहार से बहुत अच्छा और भी रिजल्ट आता और हम चाहते भी हैं, क्योंकि बिहार को इस तरह के एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। बिहार जो हमेशा से प्राचीन वैभव का केंद्र रहा है हमारे, उस वैभव को केंद्र को आगे ले जाने का काम ये प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं, अपनी मिट्टी के साथ जुड़कर उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। जैसे ही हमने एंट्री की तो आपको जो जितनी सफलताएं आपको हासिल हुई आज, वो देखकर खुशी से कम माथे पे शिकन भी ज़्यादा थी उन बच्चों के लिए, ये मुझे ऐसा महसूस हुआ। अगर देखा जाए तो कल से शायद मैंने कुछ खाया नहीं है, रीज़न ये है कि चिंता के मारे शायद कल ही रिजल्ट आने वाला था, धड़कने बहुत बड़ी हुई, क्योंकि हमारे जीवन में दो शेड्स होते हैं, एक तरफ तो नो डाउट खुशियां हैं, प्रोत्साहन चल रहा है, बधाइयां चल रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं,
लेकिन एक संख्या उन बच्चों की भी है जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था या जो नहीं कर पाए या जिनको अब वो अंदर से टूट रहे हैं, उनको जाकर हमें बताना पड़ेगा कि नहीं, एक प्रयास और करना है, एक अच्छी कोशिश और करनी है। तो हमारे दोनों शेड्स होते हैं, और जहाँ एक तरफ दिखाई पड़ता है कि नहीं बहुत खुश हैं, उल्लास है, अरे वाह ओजा का इस अकेडमी ने झंडे गाड़ दिए, वहीं एक तरफ एक टीचर के मन में वो भी रहता है, वो चेहरा भी याद आता है, उसका क्यों नहीं हुआ इस बार, उसको कैसे प्रोत्साहित करना है इस बार, उसकी कौन सी कमी दूर करनी, तो पूरे साल का प्लान चल रहा होता है दिमाग में। खासतौर से आप मेंटोर कर रहे हैं उनको, आप ही पिता बने हैं, आप ही माँ बने हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी चिंताएं आप हर रोज जी रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत टेंशन की घड़ी। हम वाकई में हम माता और पिता के ही समान है। गुरु जो है वो माता पिता ने जिस दिन उसको भेज दिया अपने घर से, तो उसके बाद से उसका संसार हम ही हो जाते हैं। तो नो डाउट वो चिंता तो रहती है, और डेफिनेटली माता पिता दोनों की भूमिका निभानी होती है, वात्सल भी है, गुस्सा भी है, ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन बस हम यही चाहेंगे कि वो बस कामयाब हों, आगे बढ़ें, और इसी तरह से ओजांका इस अकेडमी का रिजल्ट चमकता रहे, क्योंकि ये बच्चों की मेहनत है जो लगातार साल भर लगे रहे, उन्होंने अपने ड्रीम्स को हमारे टीम के साथ जोड़ा, हमने भी मेहनत की, और आज इसी तरह से हम फलक पे चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा एक सवाल ये भी कि इस बार का जो रिजल्ट है और पिछली बार के रिजल्ट जो है उनको आप कैसे देख रहे हैं? पिछली बार की रिजल्ट में जो सबसे खास बात थी, रैंक वन श्रुति शर्मा हमारे पास थी, और ये नंबर गेम होता है, कई बार ये मैजिक चलता है नहीं चलता है, और इस बार रैंक वन नहीं हमारे पास, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स इस बार ज़्यादा हैं हमारे, और जिस तरह से ओजांका इस अकेडमी इतने कम समय में इनोवेशन कर रही है, ये संख्या अगली बार बहुत बढ़ने वाली है, और अभी से इस बार हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, तो नो डाउट ये मिरेकल आगे चलता रहेगा, ये परिवार और बड़ा होता रहेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ सिलेक्शन नहीं है। मेरे बच्चे मुझे जानते हैं जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ कि मुझे एक जुनून है कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोगों को भेजना जो इस अमृत काल में भारत की नई परिभाषा लिख सकें। भारत ताकतवर था, भारत बहुत शक्तिशाली था, हम उस शक्ति को खो बैठे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी बन के जाएंगे, उनके अंदर संवेदना होगी, उनके अंदर एक इमोशन होगा कि अपने राष्ट्र को बदलना है, और वाकई में ये बहुत पावर है इस सर्विस में, आप अगर वाकई में करने पर आते हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। तो ये मिशन एक्चुअली सिर्फ सिलेक्शन तक नहीं है, हमारा इनका रिश्ता इस पूरे सर्विस के आखिरी तक है, भारत के निर्माण की बात है ये, और डेफिनेटली जो ऑडियंस मुझे सुन रही है वो बस समझे कि चाहे किसी भी रास्ते से आप अंदर जाओ, लेकिन अंदर जाने के बाद भारत के लिए रास्ता तय करो, भारत के लिए रास्ते बनाओ, और पूरी दुनिया आज हमारा लोहा मान रही है, और हम भारत के संसार में किसी से कम नहीं है, हम क्यों दबके रहें, हमारा ज्ञान विज्ञान शिक्षा ताकत धरोहर संस्कृति ये सब कुछ अद्वितीय है, और उसको उसी रूप में पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाओ, और यकीन मानो भारत फिर से वहीं पहुंचेगा जहां इसकी जो स्थान था जो सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। इस बार टॉप रैंकर्स के रिजल्ट में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां छाई हुई हैं, आपका क्या कहना है? इसका मैं एक जवाब देने से पहले ये बात करूंगा कि जब मुझे ये अवार्ड मिला तो इस अवार्ड की सबसे खास बात ये थी कि इस अवार्ड के बारे में आपको बता दूं, लड़कियों का रिजल्ट लगातार आप देखें, यूपीपीसीएस की टॉपर संचिता वो हमारी स्टूडेंट, यूपीएससी की टॉपर वो हमारी स्टूडेंट, इस बार भी जो हमारे सबसे टॉप रैंक आई दिव्यांशी वो हमारी स्टूडेंट, और इसके साथ साथ लड़कियों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। ये कहानी शुरू होती है कोविड के दौरान, जहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे हादसे हुए जिनके पेरेंट्स ने बच्चियों के उनकी पढ़ाई रुक गई, और हमने बहुत कम पैसे में उनको ऑनलाइन क्लासेस दी, बहुत उनको मजबूत किया, सशक्त किया, और एक क्रांति ज्योति गौरव सम्मान जो एक वुमेन्स एक्सेलेंस के लिए जो एक एनजीओ है उसने हमें अवार्ड किया, हमें बताया कि आपने बहुत बड़ा एक परिवर्तन किया है, बहुत बच्चों को सहारा दिया है। उस दौरान जो बच्चियों को हमने पढ़ाया, उनको सशक्त किया, उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारी कोई पावर में कमी नहीं है, तो नो डाउट इस बार की अगर आप देखें टॉप थ्री में बच्चियां हमारी, ठीक है, हर एग्जाम में बच्चियां बाजी मार रही हैं, तो ये वही दौर था जब बच्चियों को एक मौका मिला और अब वो उभरती चली जा रही हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो जीवन दे सकता है, जो जननी है, उससे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं था मुझे, और लगातार हमने जो काम किया वो इसी का एक परिणति है, और लगातार मैं यही कहूँगा कि बच्चियों को जब भी मौका मिलेगा वो डेफिनेटली अच्छा करेंगे, क्योंकि नारी शक्ति, ये देश ही नारी शक्ति को पूजता है, ये देश नारी शक्ति को जानता है, तो मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि आप किसी भी हालात में हों, आप कहीं भी हों, अगर आप इस देश की बच्ची हों तो अपने सपनों पर भरोसा करिए, और इन बच्चियों ने लगातार बेहतरीन किया है, इस बार की भी टॉपर बच्ची है, लड़की है, पिछले बार की टॉपर भी आईएएस की जो है वो एक लड़की ही रही है, तो आप अपनी शक्ति पर भरोसा करें, आप शक्ति स्वरूपा हैं, ठीक है, आप पावरफुल हैं, अगर आप अपनी शक्तियों पर भरोसा करते हैं तो डेफिनेटली आप रास्ता अपना खुद का बना लेंगी, चाहे वो आईएएस हो और चाहे वो देश की राष्ट्रपति हो। आपने जैसे कहा कि ये एक्चुअली बहुत स्ट्रगल का फेज होता है, सफलता असफलता दोनों कड़ी है,
तो जो लोग थोड़े से इसे चूके हैं उनके लिए आखिरी मैसेज आपका क्या होगा? कोई भी मैसेज आखिरी नहीं होता, बस मुझे वो नाम भी चेहरे भी याद आ रहे हैं। और मैं मतलब जब रिजल्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं था तो मैंने कई बार क्रॉस चेक किया कि ये कैसे रह गई या ये कैसे रह गया। बस यही चीज़ कहूँगा कि कोई भी चीज़ अंतिम नहीं होती, ना जीत ना हार। और जब UPSC में उतर रहे हो तो हमेशा मैंने आप लोगों को क्लास में सिखाया भी है कि पेशेंस, परसिस्टेंस एंड प्रैक्टिस, 3P बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखो, लगातार प्रयास करते रहो और अभ्यास करते रहो अपने आप को निखारने का। अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो उसको दूर करना है, क्योंकि UPSC एग्ज़ाम ही अपनी कमियों को दूर करने का नाम है। तो ये 3P याद रखना, हारना नहीं है, और आज नहीं तो कल रास्ता निकलेगा। और अगर मैं हबीबुल्ला की बात करूँ तो बहुत मुश्किलों का सामना किया, फेलियर का सामना किया, लेकिन आज वो सेलेक्ट हुए, 189th रैंक लेकर आए। तो ऐसी बहुत ढेर सारी कहानियाँ हमारे पास जिनको लगता था कि शायद अब टूट जाएंगे, अब बिखर जाएंगे, अब ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद को जोड़ा, खुद को बनाया, खुद को आगे बढ़ाया, लड़े। और जो लड़ेगा भिड़ेगा वही जीतेगा संसार का। और ये लोग लकी हैं कि आप जैसे मेंटोर हैं उनके पीछे, जो इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए और उनको मार्गदर्शन देते हैं। हम कुम्हार की तरह हैं, हम शेप देते हैं, हम थपकाते भी हैं, ठीक है, हम सहारा भी देते हैं। बस आपको तैयार रहना है कि उन थपकियों के लिए आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। जब हम चोट आपको पहुंचाते हैं तो आप उस चोट को किस रूप में ग्रहण करते हैं, उसको अपने ईगो पे लेते हैं या अपने आप को एक बनाने वाली ताकत के रूप में लेते हैं। और यही कारण है कि आज हमने नोएडा में गुरुकुल भी शुरू किया है, और गुरुकुल एक ऐसा बैच है जहाँ पर इन हाउस सारी फैसिलिटी, मेंटरशिप, और गुरुकुल का ही पूरा जो गुरुकुल का पूरा एनवायरनमेंट है वो यहाँ मिलेगा। जी, निश्चित रूप से सिलेक्शन इस बार हमारे और अच्छे आने वाले हैं, और हमारे स्टूडेंट का हमें साथ चाहिए, विश्वास चाहिए, क्योंकि इनोवेशन तभी हो पाता है जब आप पूरी तरह से साथ में। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से इतनी सफलता हासिल करने के लिए, और शाम तक उम्मीद है कि और भी संख्या बढ़े और आप इसी तरह के ज्यादा बड़े डिब्बे मंगा के रखे हुए हैं और नए ऐसे ही मकाम हासिल करते रहे IAS गुरु, और आपकी जो घुट्टी है वो बच्चों को इसी तरह पिलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडी टाइम से बातचीत करने के लिए। तो ये थे IAS गुरु, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, साल दर साल सफलता के नए मकाम हासिल कर रहे हैं, और बच्चों को आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे बच्चे इनके अकेडमी से निकल कर आए हैं, इन्होंने UPSC में सफलता हासिल की है, और शाम तक और भी संख्या बढ़ने वाली है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।